हेलो स्टूडेंट, देखिए जैसे हमने कल आपको ये समझाया था कि फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि साइंस क्या है। अब साइंस क्या है, उसके बाद फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के बारे में डिटेल में हमने बताया, उसके पार्ट भी बताए हमने, वो सारा जो मटेरियल मैंने बताया था वो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड का। देखिए वो तो थी बेसिक नॉलेज अबाउट फिजिक्स। क्या थी? बेसिक नॉलेज अबाउट फिजिक्स। अब हम बताएंगे आपको जो फिजिक्स के मैंने बताए थे ना तुम्हें, मैक्रोस्कोपिक, याद भी रहे ना? रहे याद ना? नहीं रहे तो कोई बात ना, तुम्हारे कौन सा फर्क पड़ गया। तो एक था मैक्रोस्कोपिक और दूसरा था माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक को समझने के लिए हमें क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है, और माइक्रोस्कोपिक को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक, क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के भी कुछ पार्ट हैं। चलिए अब हम उन पार्ट को समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल टूल्स। मतलब ये है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, सिद्धांत समझने के लिए, आंकिक प्रश्न समझने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अब मैथमेटिकल टूल्स हैं क्या? तो देखिए सबसे पहले जो अपनी इच्छा अनुसार मैं बता रहा हूं आपको, मेरे हिसाब से लिख कर रख लो, सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, मेरी वीडियो देखना। क्या है? मेरी वीडियो देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करो तो बाहर मिलोगे। कहां मिलोगे? बाहर। निकलो तुम जरा, यही पेल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, और कमेंट करके भी मुझे बताना है जरूर, वरना तुम जानते हो बता दूंगा तुम्हें क्या होगा। तो अब देखिएगा मैथमेटिकल टूल्स क्या है। मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक, मैथमेटिकल टूल्स। इसमें सबसे पहला जो हम टूल्स पढ़ेंगे, अरे टूल्स वो वाला ना, चाबी पाने वाला। टूल्स मतलब कॉन्सेप्ट, किस किस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। कभी ठाया का मिस्त्री के पास आया, सर जी तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे थे, क्या ले आओ? चाबी पाने वाले टूल्स, या मोटरसाइकिल में से निकाल के, बाइक में से निकाल के टूल्स, लोयर टूल्स, सही है। तो देखो अब मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। इसको बड़ा गौर से सुनो, ग्राफ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से भी और फिजिक्स में तो यूज होना ही है। देखो अगर हमें बहुत डीपली जाना है और आईआईटी नीट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो हमें ये जरूरी है भाई कि ग्राफ के बारे में हमें लगभग पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मैथमेटिक्स में घुस जाओ, ऐसा मैं कही नहीं रहा हूं। जितनी जरूरत है हमें ग्राफ की फिजिक्स में, उतना पढ़ो, काम खत्म। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं, ठीक। तो ग्राफ के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं आपको, जो कि फिजिक्स में काम आने वाली, केवल उतना ही पढ़ना है जो फिजिक्स के लिए जरूरत है। तो देखिए सबसे पहली बात ग्राफ, ग्राफ पढ़ेंगे हम सबसे शुरू में स्ट्रेट लाइन का। तो पहले ये जान लो, क्या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हो, टेंथ क्लास में ही पढ़ी होगी आपने, नाइन्थ क्लास में भी है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक, क्या बोलते हैं उसको, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं हम? एक्स वाई प्लेन। पढ़ी नहीं पढ़ी? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब देखो, ये मैं बनाकर भी दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है,
आपको ये पता होगा कि ये प्लस बाई वाला और ये कौन सा माइनस के बाई वाला, जानते हो क्या है वो माइनस के बाई और ये क्या है प्लस के एक्स और ये क्या है माइनस के एक्स, ये क्या है ओरिजिन। ऐसा सिस्टम तो पढ़ा होगा तुमने। तो ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन ये है ओरिजिन, क्या है ओरिजिन, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु, क्या बोलते हैं हम मूल बिंदु। और इस कोऑर्डिनेट इसको क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक। हिंदी में बोल देंगे इसको कार्तीय निर्देश तंत्र, तंत्र हिंदी में बड़ा नाम खतरनाक, तंत्र तांत्रिक। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्तीय निर्देश तंत्र ठीक। ये प्लस की तरफ मूल बिंदु या ओरिजिन से इधर जाएंगे, ओरिजिन इधर को चलेंगे तो प्लस, इधर को चलेंगे तो माइनस, ऊपर को चलेंगे तो कैसा आएगा प्लस, नीचे भी चलेंगे तो माइनस। समझ में आ गई बात। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देश तंत्र। अब इसी के ऊपर इसको एक्स बाई प्लेन भी बोलते हैं। देखो ये एक्स है ना, ये एक्स ये बाई, तो इसको एक्स बाई प्लेन भी बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं एक्स बाई प्लेन, एक्स बाई तल, एक्स बाई तल भी बोल देते हैं ठीक। तो चलिए मैं आपको ग्राफ बनाने सिखाऊंगा इसके, क्या सिखाऊंगा ग्राफ बनाने। अब देखिएगा इस पे कैसे ग्राफ बनाएंगे हम। तो सबसे पहला जो ग्राफ हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ना है। इसका ग्राफ पढ़ना स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, रेखा हीरोइन वाली ना है सरल रेखा। अब मम्मी का तो नाम ना तुम्हारी किसी का, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, सरल रेखा। देखो ध्यान से इसको, अगर सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन को आपको डिटेल में समझना है तो भाई मैथमेटिक्स का वो टॉपिक है, सही है, किसका टॉपिक है मैथमेटिक्स का। सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है, सामान्य समीकरण जो है वो है, वो कितनी है ए एक्स प्लस के बी बाई प्लस के सी बराबर जीरो। ये तो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ए एक्स प्लस के बी बाई प्लस के सी बराबर जीरो ठीक। इन इन स्लोप फॉर्म, ये मैथमेटिक्स का बता रहा हूं मैं, जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्लोप प्रवणता, प्रवणता बोलते हैं स्लोप को, ढाल, क्या बोलते हैं ढाल के रूप में क्या होगा बाई बराबर एम एक्स प्लस के सी, बाई बराबर एम एक्स प्लस के सी, पढ़ा तुमने नहीं। एम क्या है, एम होती स्लोप, क्या है एम, एम है स्लोप। तो चलो हमें ये नहीं पढ़ना, स्लोप फॉर्म तो नहीं पढ़नी, फिर भी जान लो एम इज द स्लोप। जैसे पहला आप पढ़ो इसकी इंटरसेक्शन फॉर्म, कौन सी इंटरसेक्शन फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम अंतःखंड रूप, क्या बोलते हैं हम अंतःखंड रूप।
तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का सामान्य समीकरण, सरल रेखा का सामान्य समीकरण। ठीक, अब देखिएगा कैसे कि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन अपनी जनरल इक्वेशन में दे रखी है, किस इक्वेशन में दे रखी है, अपनी जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है बोलो, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू जीरो, ये तो है जनरल इक्वेशन, है ना। अब इसको क्या काम करेंगे हम, किसमें बदलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, क्या है हिंदी में इसका मतलब, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। इस ये जो क्वेश्चन में क्या रहेगा, ग्राफ बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन में ये दे रखा रहेगा आपको ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहला अपना काम जो होगा क्या होगा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म यानी इस वाली फॉर्म में हमें बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप में बदलना पड़ेगा। वो देखो कैसे क्या काम करेंगे, इसके तरीके की बनाना चाह रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को इसके तरीके की बनाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, देखो ये सी को ले जाओ इक्वल के इधर, ले गए ए एक्स प्लस के बी वाई बराबर माइनस के सी, है ना, ए एक्स प्लस के बी वाई बराबर माइनस के सी। अब क्या काम करा, ए एक्स प्लस के बी वाई इक्वल, अब एक बात बताओ इसकी मल्टीप्लाई में वन है या नहीं है, है, अरे सी बन जा सी, बात तो बोल जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई में वन है, तो एक बात बताओ अगर मैं इस माइनस के सी को अपॉन में ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, वन, क्या बचेगा, वन। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, इस माइनस के सी को भैया इसके अपॉन में मिल लिया है, इस माइनस के सी को इसके अपॉन में लिया है, इधर क्या बचा, इधर बचा वन, क्या बचा, वन। ठीक, अब मैंने अलग अलग कर लिया अपॉन, कैसे, ए एक्स अपॉन माइनस के सी, इसके अपॉन में अलग लिख लिया, इसके अपॉन में अलग लिख लिया, माइनस बीच में क्या है, प्लस बी बाई अपॉन में माइनस के सी इक्वल टू वन। ठीक, दोनों के अपॉन अलग अलग कर लिए मैंने, अब क्या काम करा, एक्स अपॉन माइनस के सी अपॉन ए, क्या बात, यो समझ में आई नहीं, यो देखो, यो अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कहां पहुंचेगा ऑटोमेटिक, ऊपर, सही है, मेन अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो निचले वाला जो डिनोमिनेटर है वो कहां पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता भाई। तो ये चीज ऐसे लिख सकता हूं मैं या नहीं मुझे बताओ, प्लस y, इसको भी मैं नीचे ले आऊंगा, y अपॉन माइनस के c अपॉन b इक्वल टू वन। ठीक, अब मुझे ये बताओ क्या ये जो बनी है अपनी, ये x अपॉन माइनस के c अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस के c अपॉन b इक्वल टू वन, क्या ये फॉर्म, ये वाली फॉर्म नहीं बन गई, अरे एक्स अपॉन ए की जगह क्या है, माइनस के सी अपॉन ए, है नहीं है, और बी की जगह क्या है, माइनस के सी अपॉन बी। इसकी कंपेयर में अगर इससे करूं कि एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, तो मुझे क्या मिलेगा,
एक ही वैल्यू मुझे मिलेगी, अरे x की जगह x, y की जगह y, तो एक ही जगह क्या मिलेगा मुझे, माइनस के c अपॉन a, और b की जगह क्या मिलेगा मुझे, माइनस के c बटे b। तो इस तरीके से पहले हमें क्या काम करना है, हमें यह काम करना है a और b की वैल्यू फाइंड करना। कैसे करेंगे, जनरल इक्वेशन दे रखी होगी, जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में करके चेंज पहले करेंगे, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी की इक्वल टू वन की फॉर्म में पहले चेंज करना है, तब जाके हमें ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, इसका ग्राफ देखो कैसे बनाऊंगा, देखो एयर देखो ध्यान से, देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या काम करूंगा मैं, यहां पे देखो, ये ठीक, ये कौन सा है, प्लस का x, प्लस का y, माइनस का x, माइनस के y, ठीक, ये क्या है ओरिजिन। अब मुझे बता दो x के नीचे क्या है, a, x के नीचे क्या है a, तो एक ही वैल्यू माइनस की या प्लस की, एक ही वैल्यू है माइनस, माइनस के सी अपॉन ए, एक्स के नीचे ए, तो हम एक्स वाली साइड को पकड़ेंगे, ये है एक्स वाली साइड, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो यही आएगा ना, अब एक्स के नीचे ए है और ए की वैल्यू कैसी है माइनस, कैसी है माइनस, तो हम एक पॉइंट लगा लेंगे माइनस की, ये लग गया। अभी ये देखो वैल्यू वेरिएबल दे रखी है, मतलब ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती है, हमने अंदाजे से ऐसी लगा लिया जितना आएगा इसका, ये पॉइंट हमने लगा लिया ठीक। अब बाई के नीचे क्या है, बी, क्या है बाई के नीचे बी, देखो बाई के नीचे बी है और बी की वैल्यू भी कैसी है माइनस में है, नहीं है तो बाई वाली साइड तो ये है और बाई की वैल्यू भी कैसी, उसकी बाई के नीचे बी है और बी की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब हम बाई की कौन सी वाली साइड पर कट करेंगे माइनस वाली में, तो माइनस वाली में हमने अप्रोक्स ये कट कर लिया ठीक। अब इन कट को आपस में मिला देंगे ये इस टाइप से, तो इसका बच्चों ग्राफ, इस लाइन का जो ग्राफ है ये वाली लाइन का ग्राफ, इस वाली लाइन का ये आ गया, ये वाला, इस टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं, बन गया इसका ग्राफ नहीं ठीक। अब जरा हम इसी के तौर पे एग्जाम्पल करके देखते हैं, इसके क्या करके देखते हैं एग्जाम्पल, तो ये समझ में आया आपकी ये नहीं पूरा ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसका अगला एग्जाम्पल मैं समझाता हूं कैसे, देखो जी देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, फर्स्ट एग्जाम्पल कि 2x प्लस के 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है और इसका ग्राफ हमें बनाना है, क्या बनाना ग्राफ। अब मुझे ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन का है या किसी और चीज का, स्ट्रेट लाइन का है क्योंकि भैया ax प्लस के by प्लस के c की फॉर्म में है या नहीं है, अरे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अरे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस के c इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, अरे किसकी इक्वेशन है, यो है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, किसकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा ठीक। अब देखो इसको हमें बदलना है,
किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। और वो होता क्या भैया? वो होता है ये x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इक्वल टू जीरो, सॉरी वन, x अपॉन a और y अपॉन b इक्वल टू वन। इस फॉर्म में मुझे चेंज करना है इस इक्वेशन को, ठीक। अब देखो क्या काम करूंगा, 2x प्लस 3y बराबर, इसको ले जाओ इधर, माइनस 6, ठीक। इसके मल्टीप्लाई में ये बताओ 1 है या नहीं है? है। माइनस के 6 को अपॉन में ले आओ तो 2x प्लस 3y अपॉन माइनस के 6 इक्वल टू 1, अपॉन माइनस के 6 इक्वल टू 1। अब देखिएगा अलग अलग अपॉन कर लो, 2x अपॉन माइनस के 6, 2x अपॉन माइनस के 6 प्लस 3y अपॉन माइनस के 6 इक्वल टू 1। क्लियर? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो x अपॉन माइनस के 3 प्लस y अपॉन माइनस के 2 इक्वल टू 1, ये आ गई। अब देखो ये इक्वेशन मुझे मिल गई है, x अपॉन माइनस के 3 प्लस y अपॉन माइनस के 2 इक्वल टू 1, ये मिल गई। इसकी कंपेयर करी मैंने x अपॉन a इस वाली से प्लस के y अपॉन b इक्वल टू 1, अरे है या नहीं? समझ में अभी आ रहा है वैसे ही? तो भाई मनीष समझ में आ रहा है ना? तो x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इक्वल टू 1। अब देखो a की वैल्यू कैसी है, x की जगह x है, y की जगह y, a की जगह कितना है, a की जगह है माइनस के 3, और भैया b की जगह कितना है, b की जगह है माइनस के 2। ना गलत हो तो तुम देख लो भैया, a की जगह कितना माइनस के 3 और b की जगह कितना माइनस के 2, क्यों भाई है? देखो कितना हार्ड सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, इतना दिमाग मुझमें कहां से आया, इतना ज्यादा दिमाग देखो, होशियार नहीं मैं? करो तारीफ मेरी, करो मैं तारीफ करो वरना बाहर पकड़ लूंगा। सही है? तो भैया a की वैल्यू माइनस के 3, b की, अब देखो इतना कितना बढ़िया सॉल्व करा मैंने, और समझ में भी आ रहा तुम्हारी, क्यों भाई? अब देखो a की वैल्यू माइनस 3, b की वैल्यू माइनस के 2, क्लियर? अब ग्राफ बनाना इसका, देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ये ग्राफ है प्लस का x, और ये क्या है ऊपर प्लस का y, ये क्या है माइनस का x, और नीचे क्या है माइनस का y, ठीक। ये माइनस का y, ये माइनस का x, ये प्लस का x, और ये प्लस का y। अब देखो ये बताओ x के नीचे क्या है, a, y के नीचे क्या है, b। अब x के नीचे a है तो हमें a को कौन से वाले एक्सिस पे कट करना है, x वाले पे, कौन से वाले पे, x वाले पे, तो x वाला एक्सिस है ये वाला, ये है ओरिजिन, ये x वाला एक्सिस है। अब x के नीचे a है और a की वैल्यू कैसी है, माइनस की, कैसी वैल्यू है, माइनस, तो a की वैल्यू माइनस है तो हमें कट कब करना है, माइनस की तरफ, क्योंकि इधर माइनस है, यहां पे कितना चल रहा है, देखो कितना है, 3 है ना, अरे x की माइनस वाली साइड पे हमें कितना चल रहा है, 3, 1, 2,
3, तो ये हो गया माइनस के 3। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? डरोगे तो नहीं? भागोगे तो नहीं? बहुत आसान सवाल है यो, हार्ड सा कर दिया सॉल्व मैंने, आसान बना दिया यो। देखो इधर, यो माइनस के 3, अब ये बताओ बाई के नीचे क्या है? बाई वाला आया तो बाई वाला पकड़ लो, ये हो गया। बाई के नीचे बी है, बी की वैल्यू माइनस 2, क्या है? माइनस के 2। अब माइनस की साइड कितना चल रहा है हमें बताओ, 1, 2, तो ये क्या हो गया? माइनस के दो हो गया। अब देखो, एक तो पॉइंट मुझे ये वाला मिला, एक पॉइंट मुझे ये वाला मिला। अब इन दोनों को मिलाने वाली इक्वेशन खींच दो, ये भैया ये वाला, ये जो ग्राफ हो गया तुम्हारा, ये जो इक्वेशन हो गई, ये यही वाली इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी। 2x प्लस के 3y प्लस के 6 इक्वल टू 0। समझ में आया? ये है ग्राफ किसका? स्ट्रेट लाइन का। समझ में आ गई बात? नहीं, तुमने जो हाई स्कूल में पढ़ा होगा वो ऐसा पढ़ा होगा कि एक टेबल बना ली ये इस टाइप की, x के x और y ऐसा करके इसके वैल्यू लिख ली बहुत सारी, ऐसा तो बनाई होगी तुमने टेबल हाई स्कूल में। लेकिन यहां पे अगर तुम इंटरसेप्ट फॉर्म से जाओगे फिजिक्स में तो बहुत आसान तुम्हें पड़ जाएगा, अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो अब देखो, अगर तुमसे कोई कह दे इसका एरिया बताओ, इस ट्रायंगल बन गया ना ये वाला, देखो फिजिक्स में ऐसे पूछ लेगा बार बार क्वेश्चन में कि ग्राफ बनवा लिया, अब इस स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट सिस्टम को मिला के एक ट्रायंगल बन गया ना ये वाला, यो जिसमें ये कर रहा हूं, ये देखो, ये वाला, इसका एरिया क्या निकलवा रहेगा वो तुमसे, इसका एरिया तो वही है, ट्रायंगल बन गया 1/2 हाइट इनटू बेस, उससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर इसी का। अगला क्वेश्चन तो देखिए, अब हम समझते हैं मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे? अरे बहुत आसान है, बहुत, करके भी देखो, खुद करके देख लो क्या। 3x माइनस 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0, ये प्लस रख लो, प्लस रख लो यहां पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3x प्लस के 4y बराबर 12 × 1, तो 3x प्लस 4y अपॉन में क्या लाना है, 12, क्या लाना है, 12 अपॉन में लिया है, इधर क्या बचा, इधर बचा 1, क्या बचा 1, अटन टनाटन 3x अपॉन 12 प्लस के 4y अपॉन 12 इक्वल टू 1, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, तो कितना आया, x अपॉन 4 प्लस के y अपॉन 3 इक्वल टू 1। कंपेयर कर लो इसकी, x अपॉन कितने से, x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इक्वल टू 1, a की जगह क्या है, x की जगह x, y की जगह y, a की जगह कितना 4, b की जगह कितना 3, b की जगह कितना 3, तो ग्राफ बना दो फिर जल्दी से, क्या ये प्लस x माइनस x, ये प्लस y, यो है माइनस के बाई, यो है ओरिजिन। अब देखो,
एक्स के नीचे ए, तो एक्स वाली लाइन पकड़ लो। एक्स के नीचे क्या है? ए, तो एक्स वाली लाइन हमने पकड़ ली भैया, ये वाली ये पकड़ लो, ऐसे ये पकड़ ली। ए की वैल्यू चार प्लस की या माइनस की? ए की वैल्यू प्लस की, चार, तो किधर चलेंगे? प्लस वाली साइड। कितने? वन टू थ्री फोर, ये पॉइंट मिल गया मुझे। कितने का? चार का। बी की वैल्यू कितनी है? तीन। वाई के नीचे तो वाई वाला, यो वाली लाइन वाई वाली। अब वाई के नीचे बी, और बी की वैल्यू तीन, प्लस की या माइनस की? प्लस। किसकी? प्लस की। तो भैया प्लस वाली साइड चलेंगे। कितने? तीन। वन टू थ्री, यहां पे मिल गया तीन, और इसकी बजा दो बीन। क्या बजा दो? बीन। कैसे भैया? मिला दो, ये मिल गई, ये मिल गई, ये वाला ग्राफ हो गया कौन सी इक्वेशन का? ये ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का, तीन एक्स प्लस के फोर वाई माइनस के 12 इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ ये हो गया है। तो क्या आपको समझ में आया? नहीं भी आया तो कोई दिक्कत ना है, मुझ पर कौन सा फर्क पड़ रहा है? वीडियो में तुम कुछ कह लोगे क्या? सामने होता तो कुछ कह भी लेते। ठीक, अब देखो इधर, ये आ गया ग्राफ बनाना हम पे, कौन से का? स्ट्रेट लाइन का। समझ में आ गई बात? चलो शॉर्ट में हम सब चीज बताते हैं इसका कैसे। देखो एग्जाम्पल सॉल्व करने तो आप आए गए हैं, ठीक। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और बता दूं, मतलब कैसा कैसा कौन कौन से ग्राफ आ जाएंगे इसके स्ट्रेट लाइन के। देखो भैया जल्दी से देख लो, क्या पहला केस नंबर वन, इक्वेशन ये वाली है एक्स अपॉन ए, मतलब ये जान लो कि जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी। पहला क्या काम करना पड़ेगा हमें? क्या काम करना पड़ेगा? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू वन, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू जीरो। सॉरी, इट इज माई मिस्टेक, इट इज नॉट माई मिस्टेक, इट इज ए प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या है? एक प्रिंटिंग मिस्टेक, मेरी मिस्टेक नहीं है। एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको चेंज करेंगे हम एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, इसमें चेंज करेंगे हम इसको। अब केस नंबर, इसके ऊपर क्या क्या बनेंगे केस नंबर वन मेरे भाई? केस नंबर वन, इफ ए की वैल्यू प्लस, बी की वैल्यू प्लस, ए की भी वैल्यू प्लस हो, बी की भी वैल्यू कैसी हो? प्लस हो, तो ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा ये प्लस एक्स प्लस के माइनस के एक्स प्लस के वाई और माइनस के वाई। ग्राफ क्या आएगा? ए की वैल्यू प्लस, बी की वैल्यू प्लस, तो दोनों पे प्लस। यहां केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या है? इफ ए की वैल्यू प्लस लेकिन बी की वैल्यू माइनस। क्या हो? ए की वैल्यू प्लस हो और बी की वैल्यू माइनस हो, तो भैया रे ग्राफ आएगा ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बाय और माइनस के बाय। ये ओरिजिन, ये ओरिजिन बना लो। और ए की वैल्यू प्लस, ए वाला होता एक्स का और बी वाला होता माइनस का, तो ए वाला एक्स पे प्लस और बी वाला माइनस का वाई पे, तो ये कट, तो ये फट। ठीक, ये हो गया इसका। अब केस नंबर तीन, केस नंबर तीन क्या है? केस नंबर तीन ये है, इफ ए की वैल्यू माइनस और बी की वैल्यू माइनस, ए की भी वैल्यू कैसी हो? माइनस की हो, और बी की वैल्यू भी कैसी हो? माइनस की हो, तो बना लो, यहां पे चमक रहा, तो बना लो ग्राफ। देखो प्लस एक्स माइनस के एक्स
प्लस बाई और माइनस के बाई। अब ये बताओ ए की भी वैल्यू माइनस ए वाला एक्स का माइनस वाला, बी वाला बाई का माइनस वाला, तो ये बन गया इसका ग्राफ। अब आ जाओ केस नंबर फोर। केस नंबर फोर, इफ ए भैया कैसा माइनस का और बी प्लस का, बी कैसा हो प्लस का, तो इसका बना लो कैसा बनेगा, यहां पे बना लो यो प्लस एक्स यो माइनस एक्स प्लस बाई यो माइनस के बाई, यो है माइनस के बाई। तो भैया रे कितना, अरे ए की वैल्यू माइनस में तो एक्स पे माइनस, बी की वैल्यू प्लस पे तो बाई पे प्लस, तो इसका ग्राफ बन गया ये। तो देखिए इस तरीके से हमने सीखे किसके ग्राफ, एग्जाम्पल के साथ स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने के तरीका, इसका मेथड, ये मेथड हमने सीख लिया स्ट्रेट लाइन का। अब दूसरे नंबर पे किसका ग्राफ सीखना है हमें बच्चों, वो सीखना है पैराबोला। इसका पैराबोला या तुम्हारी लैंग्वेज में या मेरी भी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, दरअसल हम उसको पैराबोला बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो चलिए उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक। आगे देखिए, देखिए इस चैनल पे लगातार स्टडी होगी आपकी, पूरे नोट्स आपको आईआईटी नीट तक के यहां पे स्टडी कराई जाएगी पूरा डिटेल में। आज से हम शुरू कर रहे हैं इसमें, कल भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने फिजिक्स के बारे में बताया है, और आज हम समझा रहे हैं आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पे यूज होंगे, न्यूमेरिकल करने में कहीं भी कह देगा कि ग्राफ बना के इसका एरिया निकाल लो, इसका वर्क डन निकाल लो। देखो एरिया से वर्क डन निकल जाता, एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकल जाता, एरिया से वेलोसिटी निकल जाती है, वेग विस्थापन निकल जाते हैं क्षेत्रफल निकालने से। पहले हमें क्या बनाना चाहिए, ग्राफ। क्या बनाना चाहिए, ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो इक्वेशन है, गति की समीकरण है, वो प्रूफ कर लेते हैं हम ग्राफों से। तो ग्राफ हमें जरूर बनाने आने चाहिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्राफ का। तो हमने पहले नंबर पर किसके ग्राफ सीखे, स्ट्रेट लाइन का, जिसका जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू जीरो है, और इसका इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें हमें चेंज करना पड़ता एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ठीक। अब देखो, अब हम समझ रहे हैं